महंगाई दी बीते दिनों दे विच पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां दे विच काफी इजाफा होया है ते अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ते बोल नूं रह ना सके। हालांकि बैठक कोविड समीक्षा बैठक सी पर इस दौरान सूबिआं नूं उन्होंने वैट घटाउण दी जरूरत ते जोर देण लई कहा। उन्होंने कहा जदों सूबे वैट घटाउणगे उसे वेले कीमतां घट सकणगियां। हालांकि इस बयान तो बाद सेहत मंत्री विजय सिंगला ने कहा कि पंजाब विच पहला भी घट है वैट। दूजे हाथ पंजाब कांग्रेस प्रधान ने तंज कसदिआं कहा कि इस तहत तो केंद्र नूं भी एक नीति अपनाउण दी जरूरत है। अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था 6 महीने डीले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। नहीं नहीं केंद्र ने कुछ इस तरह की मदद नहीं पंजाब तो नहीं मंगी। वो तो कुछ स्टेट से जिन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से अपना वैट नहीं घटाया उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देन जिन्होंने वैट नहीं घटाया जिन्हें स्टेट्स ने कि वो अपना वैट घटाउन। पंजाब ने तो पहले ही वैट घटाया नहीं इस तरह का कोई पंजाब से पहले ही रेट सारे सूबे नालों घट है। अच्छी बात है अगर उन्होंने ऐसा कहा तो ये करना चाहिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ कि ना केवल राज्यों पर आप भी कुछ निर्णय करें फैसला करें कि साल में एक बार पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या दो बार बढ़ेंगे। ये थोड़ी है कि हर 12 दिन बाद आप पेट्रोल के दाम जब मर्जी हो पेट्रोल के दाम गिरा देते हो, जब मर्जी हो तेल के दाम गिरा देते हो, जब इलेक्शन आता है जब इलेक्शन चला जाता है तो दाम आप बढ़ा देते हो। इसे ते साडे सहयोगी समत प्रीत साडे नाल जुड़ चुके ने। सो समत महंगाई दा मुद्दा लगातार लोकां दे लई परेशानी दा सबब बन रहा ते खास तौर ते पेट्रोल डीजल दीआं महंगीआं कीमतां लगातार जिथे आवाजाई नूं महंगा कर रहीआं सी उत्थे ही होर तमाम रोजमर्रा दे वरतों दीआं चीज़ां ते वी इसदा असर पै रहा सी। इही मुद्दा है शायद कि प्रधानमंत्री वी इस ते बोल नूं रहे ने सके ते उन्हां ने हुण इह कह सकदे आ कि गेंद सूबिआं दे पाले दे विच सिट दित्ती है। अमृता महंगाई ने आम नागरिक की जिहड़ी लक है उसनू तोड़ के रख दिता है। तो जेकर गल करदे आ पेट्रोल ते डीजल की आवाजाई के साधन दे विच वरत्या जाना पेट्रोल ते डीजल दिन प्रतिदिन जिहड़ा वाधा होया असी देखिया है ते इसने सब तो वध जिहड़ा जेब ते असर पाया तो वह आम आदमी दी ते तां अज जरूर देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ नू जिहड़ा स्टेट गौरमेंटा दे उत्ते जिहड़ा सिट दिता है सारी गेंद आ जिहड़ी सेंटर दे विच तां जरूर देखी गई सी पर इस बार प्रधानमंत्री ने यह जिहड़ी गेंद आ उह राज्यां दे उत्ते जिहड़ी सिट दित्ती है ते कहा कि राज ने जिहड़े स्टेट्स ने उह अपना वैट टैक्स ने उह घटाउण। जेकर गल कीती जावे तां पछमी बंगाल दी तां उत्थों ममता बैनर्जी जरूर जिहड़े प्रधानमंत्री दे निशाने साधदे होए नज़र आए ने। उन्हां ने कहा है कि वितकरा कीता जा रिहा है क्योंकि बीजेपी गौरमेंट जिथे जिथे नहीं है तो उत्थे उत्थे जिहड़ा निशाना जिहड़ा बीजेपी वल्लों लगाया जा रहा है ते नाल ही उन्होंने कहा कि बहुत सारा जिहड़ा GST आ उह केंद्र दे केंद्र तो बकाया पे है पछमी बंगाल का। तो इस दे नाल ही जेकर उद्धव ठाकरे की गल करते तो उन्होंने भी सारी गल जिहड़ी है प्रधानमंत्री के उत्ते सिट दित्ती है कि वितकरा किया जा रहा है एक क्योंकि महाराष्ट्र की गल करदे तो नॉन BJP सरकार है तो उत्थे भी जरूर वितकरा जिहड़ा प्रधानमंत्री उन्होंने वालों किया जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सब तो वध टैक्स भरन वाला जिहड़ा सूबा वह कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे उन्होंने वालों एक दावा पेश किया जा रहा है कि सब तो वध जिहड़ा टैक्स वह महाराष्ट्र है जिहड़ा वह पे करता है। तो उस तो बावजूद भी जिहड़ा 26,700 के करीब जिहड़ा GST बकाया जिहड़ा वह सेंटर वल उन्हां दा रहिंदा है। तो जरूर इस तो इलावा कई जिहड़े नॉन BJP गौरमेंट दे राज ने उन्होंने उत्ते जरूर निशाने साधदे BJP वाले आए ने क्योंकि अनुराग ठाकुर होनी कहिंदे नज़र आए ने कि जिथे जिथे BJP सरकार है राज्यां दे विच तां उत्थे जिहड़ा वैट पहला ही टैक्स जिहड़ा वह पहला ही घटिया होया है। तां इह सारी जिहड़ी गेम है हुण राज्यां दे उत्ते जरूर सिट दित्ती गई है। हालांकि राज जरूर कहिंदे नज़र आ रहे ने स्टेट गौरमेंट्स कहिंदियां नज़र आ रही ने कि आखिरकार रेवीन्यू कित्थों आवेगा उन्हां नूं। जेकर गल कीती जावे तां सब तो वध रेवीन्यू दी
ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ 25% ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 17% ਤੋਂ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੂਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੇਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 90 ਰੁਪਈਏ ਤੇਲ ਆ ਅਤੇ 91 ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 52 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਘਟਾਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।